कुछ बात तो जरूर रही होगी। ऐसे ही कोई भारत और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। अपने सख्त निर्णयों के लिए जानी जाती थी ये। इन्हें पैराशूट सीएम भी कहा जाता था। वैसे तो कोई वास्ता था नहीं इनका यूपी से, लेकिन जब भला किस्मत में लिखा हो यश, तो रोकने से भला कहां रुकता है। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। आज चौथे एपिसोड में हम आपको भारत की उस पहली महिला मुख्यमंत्री से रूबरू कराते हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी मिसाल पेश की और अपना नाम सुनहरे अक्षरों से इतिहास में दर्ज करा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला और यूपी की तीसरी मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की। वो समय बड़ा मुश्किल था। जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के कुछ नेता के बढ़ते पद से बड़े परेशान थे। मौजूदा मुख्यमंत्री यानी चंद्रभानु गुप्ता का पद भी इतना बढ़ गया था कि विधायक पहले चंद्रभानु गुप्ता के पैर छूते थे, फिर नेहरू के आगे नतमस्तक होते थे, जो कि हम आपको अपने पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। दरअसल चंद्रभानु ये कतई नहीं चाहते थे कि प्रदेश का अगला सीएम कमलापति त्रिपाठी के गुट का हो। फिर चर्चा होने लगी कि किसे सूबे का मुखिया बनाया जाए। फिर दौर आया कांग्रेस की अप्रत्याशित रूप से एक औरत के मुख्यमंत्री बनने का, और सुचेता कृपलानी बन गई यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री। और ये दाग चलकर कांग्रेस ने विद्रोहियों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया था। सुचेता कृपलानी के सियासी सफर के बारे में बताने से पहले आइए आपको इनके बारे में कुछ बताते हैं। 25 जून 1908 में हरियाणा के अंबाला में जन्मी सुचेता कृपलानी बंगाली थी। सुचेता के पिता एसएन मजूमदार थे। वो ब्रिटिश सरकार के अधीन एक डॉक्टर थे, लेकिन इस पर भी वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। सुचेता लाहौर और दिल्ली में पढ़ी थी। यूपी से कोई नाता नहीं था इनका और गाना गाने की बड़ी शौकीन थी। सेंट स्टीफन से पढ़ी और फिर बीएचयू में लेक्चरार हो गई। 1936 में सोशलिस्ट लीडर जेबी कृपलानी से शादी हो गई तो सुचेता ने नाम बदल लिया। सुचेता की शादी बहुत मुश्किलों से हुई क्योंकि जेबी कृपलानी यानी जीवतराम भगवान दास कृपलानी उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे। इसलिए इस विवाह का विरोध खुद महात्मा गांधी ने भी किया था। लेकिन राजनीति में इतिहास करना था तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में खूब मेहनत की। 1940 में सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रथम मोर्चे पर सुचेता खड़ी रही और आजादी के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रही। भारत का जब बंटवारा हुआ तो उस दौरान के दंगों में भी सुचेता कृपलानी ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। जब देश का संविधान बनने वाला था तब संविधान सभा बनाई गई, जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सुचेता कृपलानी को इस सभा में शामिल किया गया। भारत के संविधान में उन्होंने महिला अधिकारों के लिए काफी आवाज उठाई। देश जब आजाद हो गया तो सुचेता कृपलानी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गई। राजनीति में आते ही सुचेता कृपलानी साल 1952 में लोकसभा की सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुई। साल 1957 में उन्हें नई दिल्ली विधानसभा का सदस्य बनाकर लघु उद्योग मंत्रालय दे दिया गया और फिर साल 1962 में कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के तौर पर चुन ली गई। वहीं एक साल बाद यानी साल 1963 में सुचेता कृपलानी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। ऐसा पहली बार था जब आजाद भारत में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया और 1967 तक वो इसी पद पर बनी रही। कहते हैं चंद्रभानु गुप्ता ने ही सुचेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उकसाया था। फिर साल 1971 में सुचेता ने राजनीति से संन्यास ले लिया। वहीं 1 दिसंबर 1974 को सुचेता का निधन हो गया और उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
लेकिन एक जो सबसे खास बात है वो सुनते जाइए। कहा जाता है जब सुचिता कृपलानी नोवा खाली में घूम रही थी तब वो अपने साथ साइनाइड का कैप्सूल लेकर घूमती थी, क्योंकि उस वक्त वहां पर महिलाओं के साथ कुछ भी हो सकता था। एक किताब में भी इस बात का जिक्र है। खैर, आपको हमारा ये चौथा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।